अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ इन यूरोप। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं और मज़े में हैं। तो अभी हम लोग आज जो रेसिपी बनाने वाले हैं उसका नाम है लाहौरी दही भल्ले। फेमस तरीन और सबके फेवरेट, हर बंदे को दही भल्ले पसंद होते हैं। बहुत कम लोग हैं जो कहेंगे कि नहीं, मुझे दही भल्ले नहीं पसंद। और ख़वातीन के ये स्पेशली फेवरेट होते हैं, क्योंकि जब भी मार्केट में जाती हैं, बाजार जाती हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि दही भल्ले और फ्रूट चाट खाए बगैर वो घर आ जाए। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। बड़ी क्विक सी रेसिपी है, अभी हम ताज़े ताज़े बनाएंगे। लाहौर के फेमस दही भल्ले हैं ये। मैंने इसके लिए ले लिया है 1.5 कप बेसन, उसके बाद थोड़ा सा पानी। मसाले जो इसके अंदर जाएंगे, उसके अंदर है 1/2 टीस्पून है मिर्चें, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। ये मीठा सोडा है, बेकिंग पाउडर नहीं लिया मैंने, मीठा सोडा लिया है। और इसको अब मैं डालूंगी इसके अंदर। फिर अब हम इसकी मिक्सिंग का काम स्टार्ट करते हैं। अब इन सारे मसालों को मिक्स करने के बाद मैं इसको हाथ से मिक्स करूंगी, पानी डालूंगी। और बेसन जो है वो मैंने 1.5 कप लिया था और इसको मैंने छान लिया था। छान लेंगे जब आप, तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है, गुठलियां नहीं बनती, फिर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो अभी हम इसके अंदर पानी ऐड करते हैं और इसको मिक्स करते हैं। मिक्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आहिस्ता आहिस्ता इसमें पानी शामिल करेंगे। हाथ में अच्छी तरह से धो चुकी हूँ और उसके बाद मैंने इसको ये प्रोसेस स्टार्ट किया है। बेसन मैंने छान लिया हुआ था, इसलिए काफी अच्छे तरीके से ना, बिल्कुल स्मूथ सा, देखें कोई भी गुठली नहीं है अंदर। तो इसको अच्छी तरह से इस तरीके से जब आप फेंटेंगे, जितना इसको फेंटेंगे उतने ज्यादा ये अच्छे बनेंगे। इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए रख देते हैं और तब तक हम इसकी चटनी रेडी कर लेते हैं। अब हम रेडी करेंगे हरी चटनी भल्लों में डालने के लिए। और हरी चटनी के लिए सबसे पहले जो हमें चाहिए होगा वो ये है पुदीना। पुदीना मैंने 2 मुट्ठी तकरीबन पुदीना लिया, ये सारा डाल दूंगी इसके अंदर। फिर हरा धनिया डालेंगे, 1 बड़ा सा लहसुन का जवा है और 1 थोड़ा सा स्मॉल पीस में है, ये डालेंगे। उसके साथ ही ये अदरक है, ये डालेंगे। और ये हरी मिर्चें ये डाल देंगे। उसके बाद इसमें जाएगा जीरा और नमक। 1 टीस्पून जीरा है और 1 टीस्पून ही नमक है। लेकिन उससे पहले इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, पहले पानी। अब डालेंगे इसमें जीरा और नमक। अब दही भल्लों को फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई सी ले लें, पैन ले लें, जो भी चीज अवेलेबल है। अब कैसे पता चलेगा कि ऑयल गर्म हो गया आपका? एक थोड़ा सा आप चम्मच में इस तरह से इसको लेंगे और इसमें ड्रॉप कर दें। वो देखिए, वो नीचे लगा नहीं है, ऊपर आ गया। इसका मतलब है कि अब हमारा ऑयल रेडी है। तो ये जो बैटर मैंने रेडी किया था, इसको आप डालते हैं। और डालना किससे है? अगर आपके पास पाइपिंग बैग है तो बहुत अच्छी बात है, उसके साथ आप इसको शेप दे लें। नहीं तो आपके पास अगर ये आइसक्रीम स्कूप है वो यूज़ कर लें। मैं यहाँ पर आइसक्रीम स्कूप के साथ डालूंगी और आप सिंपल जो चम्मच होता है टेबल स्पून उसके साथ भी डाल सकते हैं। ये मैंने लिया आइसक्रीम स्कूप। आपने इसको पलटना तब है जब इसके साइड पे आपको लगे कि कलर आना स्टार्ट हो गया, ठीक है? उससे पहले हम नहीं पलटेंगे, वरना फिर वो सही पकेगा नहीं। अब हम इसको पलटते हैं, क्योंकि ये देखें साइड पे इसका लाइट सा गोल्डन कलर हो गया। इसको लो टू मीडियम हीट पर हम लोग पकाएंगे ताकि अंदर से ये कच्चा ना रह जाए।
अब ये दोनों तरफ से अच्छी तरह गोल्डन हो चुके हैं, इसको हम निकालते हैं ट्रे में। पेपर टॉवल बिछाएं किसी प्लेट में, ट्रे में, किसी भी चीज में, और इसको इस तरह से निकाल लें बाहर। ये हमारे भल्ले फ्राई हो चुके हैं, इसका थोड़ा सा ठंडा होने का वेट करेंगे, फिर हम इसको पानी में डालेंगे। अब ये जो भल्ले हमने फ्राई किए हैं, इनको हम पानी में भिगोएंगे 5-10 मिनट के लिए बस। जब तक भल्ले पानी में भीगे हुए हैं, तब तक हम दही तैयार करते हैं। दही को अच्छी तरह से फेंटेंगे और इसके बाद इसमें थोड़ा सा दूध डालूंगी मैं। दूध डालने के बाद इसको फिर से फेंटेंगे और इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे चीनी। 1-1.5 चम्मच चीनी डाल लें या टेस्ट कर लें, अकॉर्डिंग टू टेस्ट। थोड़ा सा मीठा हो जाए दही तो फिर चीनी डाल के और उसके बाद फिर इसको फेंट लें। भले हमारे भीग चुके हैं, इसको 5-10 मिनट हो गए हैं, इसको ऐसे अब निकालें और पानी से हल्के हाथों से, जोर से नहीं प्रेस करना वरना टूट जाएगा, इसको करके हम ये सेट करते हैं। अब जो दही फेंट के रखा था वो डालते हैं ऊपर। आलू डालेंगे, बॉईल किए हुए चने जाएंगे ऊपर, लेंगे प्याज, हरा धनिया और पुदीना, हरी चटनी डाल दें ऊपर, थोड़ी सी इमली की चटनी, जो दही है उसको डाल देते हैं। इसके साथ डाल दें हैं इमली की चटनी। इसी डालेंगे ऊपर हरी चटनी, थोड़ा सा वापस से ऊपर डालते हैं गार्निशिंग के लिए हरा धनिया और पुदीना और चाट मसाला। ये था आज का दही भल्ला व्लॉग। आई होप आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा, इंटरेस्टिंग और मज़े का लगा होगा। सिंपल से किचन इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बन जाते हैं आराम से। पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।